लेते हैं अपडेट टीवी की दुनिया का, क्या है रॉकिंग खबरें और क्या है शॉकिंग खबरें। आज की सबसे बड़ी रॉकिंग खबर है रिटर्न ऑफ साक्षी तंवर। जी हाँ, बड़े अच्छे लगते हैं कि प्रिया लौट कर आ रही है एक बार फिर से छोटे पर्दे पर। साक्षी तंवर जल्दी नजर आएंगे अनिल कपूर के शो 24 में। वैसे हम आपको बता दें कि इस रोल के लिए फिल्म अभिनेत्री तब्बू ने भी ऑडिशन दिया था, लेकिन सिलेक्शन हुआ साक्षी तंवर का। वैसे साक्षी तंवर जल्द ही आमिर खान के साथ फिल्म दंगल में भी नजर आने वाली है। भाई वाह, टीवी और फिल्म दोनों को बैलेंस करेंगी साक्षी। आज की अगली रॉकिंग खबर है झलक दिखला जा सीजन 9 के बारे में। इस बार इस शो में बहुएं बजाएंगी अपना डंका। एक है स्वरागिनी की स्वरा यानी हेलिशा, और दूसरी है इश्का रंग सफेद की नई थानी यानी संजीदा शेख। कलर्स चैनल पर ये दोनों ही बहुएं बनती हैं और दोनों ही अहमदाबाद की हैं। तो देखना होगा कि अहमदाबाद की ये दोनों बहुएं झलक दिखला जा में नच का कैसा डंका बजाएंगी। और अब आपको बता दें कि झलक दिखला जा के 9वें सीजन में कौन होगा जज। एक बार फिर से करण जौहर बैठेंगे जज की कुर्सी पर, और ग्लैमर का काम संभालेंगी जैकलिन फर्नांडिस। जी हाँ, जैकलिन फर्नांडिस पहली बार छोटे पर्दे पर नजर आएंगी बताओ और जज झलक दिखला जा में। अभी तीसरे जज की तलाश जारी है और सुना है कि रणवीर सिंह को इसके लिए अप्रोच किया गया है। आज की अगली शॉकिंग खबर है कलर्स पर 11 जून से आने वाले सीरियल कवच के बारे में। भाई, खबर आई है कि शो में चुड़ैल मंजुलिका का किरदार निभाने वाली महक छैल अब इस शो में नहीं नजर आएंगी। खबर आई है कि शूटिंग के दौरान महक को चोट लग गई और इसीलिए वो शूटिंग नहीं कर पा रही है। हो सकता है कि इस शो में महक ना नजर आए। वैसे शो के बारे में एक और रॉकिंग खबर है कि शो में ही नजर आएंगी अश्विनी कालसेकर यानी जोधा अकबर की महामंगा। वो बनेंगी महक छल की माँ यानी महाचुड़ैल, जिनका नाम होगा इंद्राणी। वैसे हमें इंद्राणी मुखर्जी के नाम से तो ये प्रेरित नहीं है। खैर, जो भी हो, अश्विनी कलसेकर को एक लंबे समय के बाद छोटे पर्दे पर देखना काफी मजेदार होगा, वो भी चुड़ैल के रूप में। सीरियल की अगली रॉकिंग खबर है कपिल शर्मा के बारे में। भाई, आजकल कपिल शर्मा शो में ढूंढी जा रही है कपिल के लिए दुल्हनिया। जी हाँ, जब कपिल शर्मा का शो कलर्स पर आता था तो उनकी वाइफ थी मंजू यानी शुमोना, लेकिन इस बार शुमोना उनकी वाइफ बनकर नहीं आई है। अब कपिल की दुल्हनिया कौन बनेगी ये तो पता नहीं, लेकिन अभी ऑडिशंस जारी हैं। नमस्कार, मैंने तन्मय का वीडियो देखा और मुझे अच्छा नहीं लगा क्योंकि मैं लता जी की बहुत बड़ी फैन हूँ। आप देखिए ये मजेदार सा वीडियो, पहचाना है ने? ये लता मंगेशकर नहीं बल्कि हैं गौरव गेरा। हाल ही में तन्मय भट्ट के सचिन और लता मंगेशकर के वीडियो को लेकर काफी कंट्रोवर्सी हुई, लेकिन गौरव ने लता मंगेशकर का फैन बनकर ये वीडियो इंटरनेट पर डाला है जिसका टाइटल है सचिन वर्सेस लता सिविल वॉर, जहां वो लता मंगेशकर की इस अंदाज में तारीफ करते नजर आ रहे हैं। भाई गौरव बाबू, ये अंदाज अच्छा है। बस एक वीडियो था जो मुझे अच्छा नहीं लगा, बस दैट्स अबाउट इट। इससे ज्यादा मेरे ख्याल से देश में बहुत बड़े मुद्दे हैं जिस पे फोकस करना इससे कहीं ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सीरियल की अगली रॉकिंग खबर है वरुण सोबती के बारे में। भाई, वरुण सोबती जल्दी जी टीवी के शो मोहरा में नजर आएंगे। पहले ये शो फाइनाइट सीरीज था जो वीकेंड्स पे आने वाला था, लेकिन अब ये शो रोज आएगा। जी टीवी के 10:30 के स्लॉट में वरुण सोबती आपका मनोरंजन करने आ रहे हैं। शो में वरुण का नाम है सत्या और उनके साथ है शिवानी तोमर जिनका नाम है किरण। और अब नजर डालिए जरा नेहा मर्दा की कुछ शॉकिंग तस्वीरों पर। डोली अरमानों की उर्मी, भाई इतनी बोल्ड कैसे हो गई? भाई ये शायद इनकी रियल लाइफ है, पर्दे की संस्कारी बहू, लेकिन रियल लाइफ में बोल्ड और बिंदास।